18 फरवरी तक आयोजित हो रहे शिविर के चौथे दिन स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य नरेंद्र यादव और शिविर संयोजक संदीप सुमेंद्र ने बताया कि राजस्थान की परंपरागत कला और युवा चित्रकारों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से ये शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें 25 आर्टिस्ट भाग ले रहे हैं। वर्कशॉप है ये क्लावर्त संस्था और स्कूल ऑफ आर्ट के दोनों के संयोजित प्रयास है। तो इसमें लगभग 15 तो आर्टिस्ट मिनिएचर आर्टिस्ट जो हैं जयपुर के जाने माने प्रबुद्ध लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेंट हैं और लगभग 20 के करीब हमारे बच्चे इसमें काम कर रहे हैं। हमारे इस वर्कशॉप को आयोजित करने का मेन उद्देश्य ये था कि अपने यहाँ जो नई पीढ़ी है या हमारे स्कूल ऑफ आर्ट के भी बच्चे, फाइन आर्ट कॉलेज एकमात्र है ये राजस्थान में, इसके बच्चे भी लघु चित्रण से थोड़े से दूर जाते जा रहे हैं। तो हमने ये सोच के आयोजित किया है कि आने वाली पीढ़ी ये जाने, ये सीखे कि भाई हमारे राजस्थान की एक समृद्ध परंपरा लघु चित्रण की हुई रही है और उसको ये सीखें, जानें, इसको आगे बढ़ाएं, इस पर्पज से हमने ये शिविर आयोजित किया है। ये कुल 5 दिन का शिविर है और इसके अंदर जो भी चित्रकार भाग ले रहे हैं वो सब अपनी अपनी विधा के अंदर काम करते हैं। जैसे दामोदर गुजर जी हैं वो बॉटनी में रियलिस्टिक काम करते हैं, कैलाश शर्मा जी हैं वो जैन शैली के अंदर परंपरागत चित्रण करते हैं, उसी तरह से बाकी और चित्रकार भी अपनी अपनी शैली के जो उन्होंने डेवलप करी है उसमें चित्रण कार्य करते हैं।